एक बार जोरदार तालियां सर एंड मैम, थैंक यू सो मच। इस हफ्ते हमारे भूकंप क्या गाएंगे? वेल, उनकी प्लेलिस्ट तय की है, तैयार की है स्वयं श्री प्यारे लाल जी ने। देखिए, ये सप्ताह जो है आपको एक एक पल देखना होगा, क्योंकि कल रात शो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि किन पांच को मिलेंगे द गोल्डन बैजेस। वेल, जितने ज्यादा बैजेस भूकंप बटोरेंगे उन्हें एलिमिनेशन से दूर रहने का उतना मौका मिलेगा, यानी वो उतने ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। वेल, इसी बात पर वेलकम टू पेप्सोडेंट प्रेजेंट्स सारेगामा पा लिटिल चैंप्स पावर्ड बाय पार्ले फैब बर्बन एंड किड्स फैशन पार्टनर firstcry.com। तो चलिए बुलाते हैं सबसे पहले कंटेस्टेंट को, अनन्या शर्मा। काटे नहीं कटते ये दिल, ये राग कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कटते ये दिल, ये राग कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहता हूँ अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार आया।
मुझको काम रे लटपट नयन वै मैं क्या जानू रे लटपट नयन वै मैं क्या जानू रे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे दिल बिन प्यार व्यार मैं क्या जानू क्या कमाल का गाया अनन्या. देखिए हमारे जजेस खड़े होने पर मजबूर हो गए. क्या बात है यार. जूरी जो है इन्होंने कितने दिए टोटल जरा देख ले. 100 99% प्यारे सर बहुत समझ के गाती हैं और वर्ड्स छोड़ने का भी अच्छा अंदाज है. इनके गाने में एक चीज़ बहुत अच्छी है टेम्पो को बहुत रखती हैं संभाल के मतलब जरा ड्रॉप नहीं होता. थैंक यू सर. सबसे मेन बात वो है. अब ये जो गाना है दिल विल प्यार व्यार प्यार व्यार मैं क्या जानू रे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे शागिर्द का गाना तो हम सब पहुंच गए मैं मजूर साहब ये लक्ष्मी जी आते हैं ऐसे वहाँ पे सारे ग्यारह बारह तक आते थे तो लक्ष्मी जी जैसे आए अरे सब प्यारे इधर सुन मतलब क्या हो गया बोलते हैं कि मेरी नौकरानी जो घर की है मैं नहा के आया और फिर मैं नाश्ता करने बैठा था मैं देख रहा था वो कुछ मूड में नहीं थी हिंदी नहीं आती थी बेचारी को मराठी थी तो उसको मैंने होता तो वो थोड़ी देर हे वन डे टिकट ठेवली ते क्लास शिवला हे झालं ते आता काय करू मी अय्या मी काय करू अय्या अय्या ये बिल्कुल मैं वो नहीं बता रहा हूँ ये लक्ष्मी जी ने मैं क्यों ये बोल उनके लिखे हुए क्या बात और बिल्कुल कंपोज भी किया है लेकिन ऐसे ही था वो क्या बात छोटी छोटी चीजों से इंस्पायर होके क्या बात ऑल द बेस्ट सुनीला मैम आप बताएं ना आपको कैसा लगा गाना प्लीज बहुत अच्छा गाया लेकिन आज तुम सो यू आर सो लकी कि नाना नानी दादा दादी मम्मी सब लोग यहाँ के बैठे यहाँ पे यू आर सो लकी यार क्या बात कांग्रेचुलेशंस शानुदा नहीं हैट्स ऑफ क्योंकि इसलिए बोलूंगा कि एक छोटी सी लड़की इतने सारे म्यूजिशियंस के साथ खड़े होके फर्स्ट टाइम सही बोल बहुत अच्छा उसके हिसाब से हम देख रहे हैं फैंटास्टिक सिंगिंग तुमका तुम्हारा कैमरे में कुछ शॉट्स गया होगा जब तुम नैन वैन बोल रहे हैं तो एक नैन टेढ़ा किया एक नैन सीधा किया उसका एक्टिंग भी साथ में चल रहा है फैंटास्टिक एना यू आर सुपर डुपर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अनन्या तुमको आज तुमने जो ये देखा है नज़ारा ये हमारी जो लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी वो फुल ऑफ म्यूजिशियंस होता था एक तरफ लक्ष्मीकांत जी खड़े हैं एकदम प्यारेलाल जी खड़े हैं दोनों धुरंधर और हम एक गो पे गाना रिकॉर्ड करते थे तो ये तुम्हारे जो माहौल तुमको मिला है ना ऐसा माहौल होता था लाइव रिकॉर्डिंग पे अनन्या तुमने बहुत अच्छा गाया बहुत मीठे बहुत समझदार लड़की हो तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है मैंने देखा है तुम्हारा प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगा मुझे पता है क्योंकि तुम्हारे में वो है बात थैंक यू दादा जब गाना खत्म हो जाता है अभी हो गया पियानो वियानो बजाना सब बातें करते हैं आप क्या सोच रहे होते हो बैठ के दादा प्लीज पहले सबको आप अपना नाम बताएं मेरा नाम चिट्टी पिल्लई है क्या नाम है चिट्टी पिल्लई चिट्टी हाँ जी ये गाना आप पे तो नहीं लिखा गया था चिट्टी आई है चिट्टी आई वैसे मुझे इनकी वाइफ के बारे में बड़ा अच्छा लग रहा है जान के पता क्यों उस बीवी को शादी पे चिट्ठी मिली
इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को. वेल, 1980 में रफी साहब का देहांत हुआ और उनके चाहने वालों के लिए जैसे संगीत की दुनिया में एक अंधेरा सा छाया हुआ. वेल, किसने सोचा था कि 40 साल के बाद वही कशिश, वही कसक, वही अंदाज, वही अदाकारी लिए एक 13 साल का बच्चा दुनिया के सामने आएगा. क्या इतिहास फिर रचा जाएगा? क्या तू गंगा की मौज में जमुना की धारा और खोया खोया चांद, क्या वही जादू फिर दोहराया जाएगा? वेल, अब वो भूकंप जिसने रफी साहब को एक बार फिर से हमसे जोड़ा है, वो है माधव अरोड़ा. जोरदार तालियां. हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने. माधव, छोड़ना नहीं है जी. सानी धपा मगर ऐसा है, वहां सा गया तो बेटे यहां भी आएगा. हाँ, तो वहां जा, यहां आ, वहां जा, गा. Yeah.
क्या बात है यार, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बार यार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के गानों के लिए सर। जीते रहे, हजारों साल जीते रहे। पहले जरा देख ले जूरी, चार्ट बस्टर। देखिए मैं आपको बताऊं सच्ची बात जी, उन्हें गाया वो ठीक है, लेकिन अभी जो इस वक्त इन्होंने जिस मूड में गाया वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। सर ये कुछ पूछना चाह रहा आपसे। सर मैं मोहम्मद रफ़ी साहब जी का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और सर मैं उनके सॉन्ग सुनता हूँ, तो सर आप को कुछ बताएं आपके और रफ़ी साहब जी के बारे में। रफ़ी साहब का क्या था ना, कभी भी उनको कोई चीज़ के मतलब बुरा नहीं लगता था, हम कुछ भी बात करें उनसे तो उनका क्या था कि वो चाय बनाते थे, उनकी चाय ऐसी बनती थी सुबह 4 बजे उनकी वाइफ और उनके 2 आदमी थे, वो बादाम पिस्ता इतना 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 डाल देते पानी में, बॉयल करने में रख देते थे, फिर सुबह 5 बजे उसमें चाय की पत्ती और दूध डाल देते थे। ओ ना क्या बात। और उसको औंटा के वो चाय के 4 उनके फ्लास्क बनते थे और वो टेक में लेके आते थे। तो क्या होता था, कभी उनका मूड अच्छा नहीं हो अगर उनसे चाय मांगो ना तो बहुत खुश होते थे, जैसे हम बच्चे हैं छोटे बच्चे हाँ, तो लक्ष्मी होते थे साहब, हम साहब जी बोलते थे, नाम को भी नहीं लेते थे, साहब जी थोड़ा चाय ले लें, चाय चाहिए जाहिर चाय पिला दो। खुश हो जाते थे। चार्ट बस्टर हो गया, अब तो रिकॉर्ड तोड़ने की बारी आ गई। मानव कमान गोवर ये रफी साहब से खली साहब क्यों बन गए भाई, थोड़ी तोड़ दी, क्या बात है, बहुत अच्छा, आओ बेटे बैठो, बहुत बढ़िया। कैसे चल रहा दादा, सब बढ़िया, मजे आ रहे हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश है। दादा का नाम है चिट्ठी, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कोई भी डाकिया आ जाए पोस्टमैन संभल के रखना, पैक में भर के ले जाएगा चिट्ठी। आप कहाँ थे, क्या थोड़ा क्या दादा, एक प्लीज थोड़ा कुछ करके दिखाइए ना, एक थोड़ा सा प्लेन, बस मैं रो पड़ूंगा। कितना दर्द भरा हुआ है, टूट टूट रहने दो। पीकेपी यानी प्यारे लाल जी की प्लेलिस्ट के अनुसार अब पेश है पहला डुएट, लेट्स डू इट। इंडिया बसता है उसके करोड़ों गांव में, वेल इनमें से एक गांव में बसता है अगला भूकंप, जहां शहरी जवां दिलों की ज्यादा धड़कन राम शंकर जी आज भी बाथ टब में बुलबुले उड़ाते हुए नहाते हैं, वहीं पे ये बच्चा 40 फीट के कुएं में डुड़ुक डुड़ुक और बुड़ुक बुड़ुक करता हुआ मजे से नहाता है। ये है प्रकृति का पुत्र सक्षम सुनावरे, जो आज आ रहा है उस भारी सिंगर के साथ जो इतनी दुबली है कि अंगूठी अपनी उंगली में नहीं अपनी कमर में पहनती है, यानी सई जोशी। समझ नहीं आ रहा, बच्ची ने फ्रॉक पहनी कि फ्रॉक ने बच्ची पहनी हुई है। ये बच्चा इतना खुश है इसकी पजामी भी फूली नहीं समा रही।
आओ बेटा, रुक रानी, तुझे तेरी पजामी की कसम। Thank you.
अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं जूरी ने स्कोर दिए हैं। हंड्रेड % यानी चार्ट बस्टर। अब देखते हैं रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। उससे हथौड़ी भी नहीं उठती बच्ची से। अरे तुम्ही दोघे महाराष्ट्रीयन आहेत ना? हो। तू कुठून रे? मी औरंगाबादचा। औरंगाबाद आणि तू सई? बदलापूर। वाव, मी ऐकलं आई केटरिंग करते। हो। आमच्यासाठी काय आणलं का? हो आणलंय। काय आणलंय? जलेबी आणलीय। बापरे, मला खूप आवडते। नाही, ये बदलापूर का नहीं है भाभी जी। नहीं नहीं, ये दुबलापूर का है। दुबलापूर का। ठीक है ठीक है, नंतर खाया। सबसे पहले उदित जी आप बताएं क्या कहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बॉबी फिल्म देख रहा हूँ। क्या जितना अच्छा गाया आप लोगों ने उतना ही अच्छा एक्टिंग किया आपने। उन्होंने बहुत जबरदस्त गाया, सुपर्ब एकदम। बस बेटी तेरे को खाली बोलूं थोड़ा सा खाया कर बाबा। देख कैसे करके तेरे को ऐसा ऐसा उंगली दिखा रहा था, तेरे को भी तो लड़ना पड़ेगा ना। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। बेटा मैंने क्या है वादा किया है मैम सबसे कि ये जब रियलिटी शो जब तक खत्म होगा तब तक तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा। मुश्किल है मैम। नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा ना। मैंने अगर ये नहीं करके दिखाया तो मुझे मार पड़ेगी, सब लोग वेट कर रहे हैं। बट साई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जब बेटा संभल के जाना, हवा बहुत तेज चल रही है। अरे एसी बंद करो, इधर मुंह नहीं देना एसी का। मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? हांडवी। अभी से खाना शुरू करो और सारी शाम भर जब तक हम लोग आए हैं खाती जाओ। चलो अलका जी, यही चाहती है कि तुम्हारा मोटी होना बहुत जरूरी है। अब ये डब्बा ले जाओ, पूरा जाओ। बेटा खाओ, वजन बढ़ाओ। एक थोड़ा थोड़ा दादा, प्लीज दादा। रेडी कुछ भी। देखा, अब तो मुझे देखते ही इनके सुर बज रहे हैं। वैसे मैम बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों यहाँ पे आए। देखिए सर, आपने एक से बढ़कर एक गाना आपने और लक्ष्मीकांत जी ने बनाया है। मैं जनरली जानना चाह रहा था, इनफैक्ट सब जानना चाहते हैं, आपकी शादी का रिश्ता कैसे आया था? प्लीज बताइए ना, कैसे हुई लव मैरिज, अरेंज मैरिज, क्या था? एक्चुअली पहले अरेंज हुआ और बाद में लव हुआ। मेरे डैडी बिल्कुल डेड अगेंस्ट थे इनके साथ शादी कराने के लिए। क्यों पर ऐसा? पता नहीं, कम्युनिटी अलग है ना, हमारी कम्युनिटी उनकी अलग अलग है। मैं साउथ की, वो नॉर्थ के हैं। नॉर्थ और साउथ का कैसे मिलेगा? ये भैया जी, भैया। मेरी मम्मी ने, इनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी तकदीर के, फेमस तारदेव में,
तो मेरी मम्मी उनकी मौसी और मामा जी तीनों गए देखने के लिए लड़के को लड़का कैसा है बुढ़ा तो नहीं कहीं प्यारे लाल लगाया तो बुढ़ा तो नहीं फिर वहां पे जाके देखा तब रफी साहब का गाना चल रहा था तो बोले घर पे आके बोल दी लड़का बहुत अच्छा है तो डैडी ने एक महीने डेढ़ महीने तक बात ही नहीं की मेरे से अच्छा नाराज से नहीं शादी कर फिर मनाया बहुत मनाया मैं जाके पाँव पड़ी इतना अच्छा लड़का है इसे शादी करने दो मुझे ये जब घर पे आई मिलने के लिए मम्मी को तो मेरी बहन ने बोला ये बहुत अच्छा गाती है तो बोला कुछ गाओ तो एक कौन सा गाना गा रही है कौन सा माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले बिना बोले बिना बोले छुपा लिया आप दोनों में जितना प्यार दिखता है ना और मैं हमेशा कहता हूँ एक आदमी तरक्की तभी कर पाता है वो एक इतना क्रिएटिविटी उसकी और निकल के आती है अगर लाइफ पार्टनर ऐसा कमाल का हो तो आई थिंक इनकी जो भी सक्सेस है उसका श्रेय मैम आपको जाता है थैंक यू सो मच आप उतनी उतनी बड़ी भागीदार है उसमें कमाल एक बार जोरदार तालियां अपने बड़े सही गुरु मिलना कितना मुश्किल है लेकिन कई लोग जो है उनको अपने घर में ही कमाल के गुरु मिल जाते हैं वेल मैं ऐसी ही एक कंटेस्टेंट को बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए फॉर रनीता बनर्जी मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं चाहे फूलों के साए से खेलूं चाहे कली से प्यार करूं सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं चाहे फूलों के साए से खेलूं चाहे कली से प्यार करूं No.
मनीष, लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस हम लोगों ने सुना था, वही मैं अलका से डिस्कस कर रहा था जी, कि इतना डेवलपमेंट, इतना अपग्रेडेशन, दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस शो. कमाल है, ये बात तो है सर. दिस इज द ग्रेट थिंग फॉर दिस लिटिल चैंप. फर्स्ट टाइम इन दिस शो किसी गाने में हम लोगों का गूज़बम्प, मतलब रोंगटे खड़े हुए. हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, ब्यूटीफुल. सबसे बड़ी थैंक यू तो उधर बैठे हुए हमारे सर शिव पार्वती बैठे हुए हैं दोनों. वी आर लकी कि हमारे साथ प्यारे भाई बैठे हुए हैं जी. लक्ष्मी जी, प्यारे जी का क्या म्यूजिक है, कंपोजिशन क्या म्यूजिक है, क्या म्यूजिक. ये आज एक बार हम लोग फिर से सुन के मतलब धन्य हो गया. रोनिता, क्या तुमने गाया है, माय गॉड, मैं तो हक्की बक्की रह गई सुनकर. आज आज तुमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है अपने लिए, अब ऐसा या इससे बेहतर, इससे कम नहीं होना चाहिए. ये याद रखना है ना. गॉड ब्लेस यू. आप क्या कहेंगे सर? बहुत ही अच्छा गाया, देयर इज नो डाउट. लेकिन आर्ट ऐसी चीज है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हम छोड़ ही देते हैं आगे करने के लिए. वो चीज समझती है. मैं देखा उसके फेस जब गा रही थी. अभी जैसे शुरू का है, सुनो सजना पपी है ने, खाली मुखड़ा जो खाली डी देना. अभी आराम से इसको ओपनली गाओ. क्या सुनो सजना, अभी जो गाया ना आपने, ये हाफ गाया, आधा गाया, आधा गाया कह रहे हैं. और ओपन गाइए. सुनो 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 सजना, फुल वॉइस, फुल वॉइस है ना, फुल वॉइस में गाइए एक टाइम जरा. सुनो सजना एक पल में तुम्हारा सिंगिंग चेंज करा दिया. जूरी बता दे 100 पॉइंट्स चार्ट बस्टर. यो उसने खुद दिए, मैंने नहीं लिए. दादा बताओ इनको, ये मोह माया है कोई. चंद्र जी, एक मोह माया. अब आ रहे हैं सतीश कुमार और इनके साथ आ रहे हैं गुरकीरत सिंह. पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, के हो मुसीबत ना हो मुसीबत, हाँ मुसीबत, हाँ मुसीबत, सात आठ नौ दस. पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, के हो मुसीबत ना हो मुसीबत, ना हो मुसीबत. थैंक यू. तैयार आप लोग? ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट. एक बार जोरदार ताली इनके लिए.
इशारे में दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में उसने तो कहा हर बात को इशारे में दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में रेश भी दुपट्टा से कभी क्या बात है वाह ओहो क्या बात है यमला पगला दीवाना वेल जूरी क्या कहना है आपका स्कोर्स यार जूरी ने दिए पूरे 100% शॉट बस्टर बस सुपर डुपर हिट और क्या कुछ बोलने का नहीं फाड़ दिया दोनों की केमिस्ट्री कमाल थी दोनों छा गए क्या बात है इस एनर्जी के साथ ये बच्चे कैसे कर रहे हैं लोग आज भी सोच नहीं सकता मैं तो बोलता कि मालिक भगवान इनको बड़े से बड़ा बनाएगा All the best, all the best. अब रिकॉर्ड ब्रेक करने की बारी आ जाओ जोरदार तालियां इनके लिए कम ऑन मेरे भाई जी जी कर्ज का गाना आप जब रिकॉर्ड किया था ये जो एक हसीना थी एक दीवाना था जी हाँ काश मैं उस रिकॉर्डिंग में मैं खुद रह पाता मेरे को एक दिली तमन्ना थी आपसे एक परमिशन लेना है मेरे को कि एक हसीना थी ये गाना मैं गा सकता हूँ यहाँ पे स्टेज पे क्या बात है सर बोल सर प्लीज आई एम थैंकफुल प्लीज जल्दी बुला लो थैंक यू वेरी मच प्यारे जी अगर आप कंडक्ट करेंगे और हम गाएंगे तो वो पूरा माहौल लोगों को समझ में आएगा जो होता था सुनो इस गाने की जो ब्यूटी है
वो है साइलेंट. बिल्कुल शांत हो जाइए सब लोग. प्लीज सांस आराम से लीजिए. आवाज नहीं आनी चाहिए सांस की. एक हसीना थी एक दीवाना था. क्या उम्र क्या समां क्या जमा. कमेंट चाहूंगा हम लोगों ने ठीक से गा पाया कि नहीं. आपने बहुत 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 अच्छा गाया. और सबसे अच्छा क्या लगा, एक हसीना एक दीवाना दोनों ऐसे थे. सबको तो चार्ट बस्टर्स 100 मिलते हैं तो इनको 101 दे देना चाहिए आज. क्या बात है. अच्छा थैंक यू यार उदित. उदित थैंक यू. तेरा इतना प्यार मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. क्या बात है. कमाल. एक बार जोरदार ताली अपने पड़े. ये पूरा एपिसोड बेस्ट परफॉर्मेंसेस बिहाइंड द सीन्स और बहुत कुछ आप देख सकते हैं Z5 पर कभी भी कहीं भी. सो डाउनलोड द ऐप नाउ. कमाल के परफॉर्मेंस आज हुए लेकिन घबराइए नहीं, अभी आधे हुए हैं. अभी बाकी परफॉर्मेंसेस बाकी हैं, वो होंगे आज नहीं कल. तो कल फिर से मुलाकात होगी आपसे यहीं पे.